हमारे घर का वाईफाई 2 दिन से कटा हुआ है, जिसके वजह से पौड़ी को भी मन नहीं लग रहा और मुझे भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि नेट वगैरह था तो फ़ोन वगैरह चलाते रहते थे, पौड़ी भी कुछ कुछ देखती थी और वो पढ़ाई का चीज़ भी देखती थी, अपना ट्यूशन का होमवर्क वगैरह जो भी मिलता था। खराब हो गया इंटरनेट, कैसे खराब हो गया, मतलब अपने एरिया में तार बीच में कवर वायर इसी के वजह से टूट गया तार अपना इंटरनेट का, तो एक दिन आके ठीक कर दिया था, फिर लगता है टूट गया है, तो 3 दिन से लाइट नहीं है, 2 दिन से डिस्टर्ब थे हम लोग, आज 3रा दिन है, जिसकी वजह से ब्लॉग भी ये नहीं हो पा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है। वेलकम बैक टू माई चैनल सोनू डॉली ब्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और मौसम इंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, तो आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं, हमारे घर का वाईफाई 2 दिन से कटा हुआ है, जिसके वजह से पौड़ी को भी मन नहीं लग रहा और मुझे भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि नेट वगैरह था तो फ़ोन वगैरह चलाते रहते थे, पौड़ी भी कुछ कुछ देखती थी और वो पढ़ाई का चीज़ भी देखती थी, अपना ट्यूशन का होमवर्क वगैरह जो भी मिलता था वो देखती थी, कैसे क्या बनाना है, तो वो ऐसे ही उदास बैठी हुई थी थोड़ी देर में, तो बोले जाओ आंगन में दादाजी हैं, थोड़ा दादाजी है, और ये हमारा लड्डू सोया हुआ है। गाइस, इसको मॉस्किटो नेट में सुलाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि पता है इसको हम कल देखे थे कि मतलब इसको ढक के हम सुला दिए थे, पैर का उंगली दिख रहा था और हाथ ये बाहर निकाल लिया था, और तो इसको देखे कि पैर में एकदम मतलब छोटा सा ही मच्छर पूरा खून पी करके रेड हो गया है और हाथ में भी रेड रेड कर दिया काट करके, और ये रोने लगा था, तो हम इसीलिए अब इसको मॉस्किटो नेट में सुलाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि डेंगू भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो मच्छर होता है दिन में ही काटता है, तो इसलिए मॉस्किटो नेट में सुला देते हैं, आराम से सोया हुआ है, मच्छर भी नहीं काटते, वो मौसम ठंडा है जिसकी वजह से हल्का हवा भी जा रहा है, और परी बैठी हुई है बाहर, बुलाते हैं परी को, परी गाइस तो देखिए परी आंगन में खेल रही है, वैसे कुछ मज़ा नहीं, अभी बोले कि स्कूल का होमवर्क कर लो बेटा, मम्मा मन नहीं लग रहा है, तो क्या कर रही है बेटा यहाँ बैठ करके, और मच्छर भी तो काट रहा है, क्ले से अपना दिया बनाई है और खेल रही है, लेकिन मच्छर तो काट रहा है यहाँ पर, चलो रूम में चलो, शाम हो गया अंदर चलो रूम में, हाँ ठीक दे देते हैं, ठीक ये परी का 10 रुपये अपने दादी के से ली थी, ये लीजिए, कितना चाहिए, वो कितना पैसा है, ग्यारह रुपया है, तो ठीक है 11 रुपये का दिया दे दीजिए, 10 का नोट है बेटा, 10 का नोट है, 10 नहीं है, ये अभी 3 को दुकान पे है, अच्छा क्ले रखी हुई है उधर बनाने के लिए बगल में, तो कोई बात नहीं आप एक ही ठोर दे दीजिए, एक ही ठोर नहीं दूंगी अभी, और भी टाइम थोड़ी देर के बाद आएंगे, ठीक हम आएंगे थोड़ी देर के बाद, फिर होमवर्क बनाओगे ना बेटा स्कूल का खेलने के बाद, ठीक नहीं ना बेटा, हाँ किस लिए मन नहीं लग रहा है बेटा, वाईफाई कभी नहीं है, वाईफाई रहता था यूट्यूब से शॉर्ट्स देखती थी परी, कुछ कुछ देखते रहती थी, है ना बेटा, ये देखिए जब परी बोली पेट दर्द कर रहा था दादा का रिएक्शन, बाकी बने रहिए ब्लॉग में। ये गाइस, तो परी खेलने के बाद थक गई, थक दूध की बॉटल दूध पीती है अभी भी, तो पी करके सो चुकी है, और लड्डू को भी जस्ट दिए मम्मी पापा के गोद में, फिर जब हम खाना बनाने गए ना तो जैसे ही सेवई बोले कि आज भिंडी का भुजिया सेवई और पराठा बना देंगे, लेकिन जैसे भिंडी कट करना शुरू की और सेवई बना रहे थे उतने में लड्डू बहुत रोने लगा, तब तो मम्मी बोली कि तू रहने दे हम बना देते हैं खाना, तो हम लड्डू को ले लिए तो वो चुप हो गया था, लेकिन अभी जस्ट दिए हैं तो फिर रो रहा आवाज़ आ रहा पीछे से, और ये देखिए परी सो गई है, और हम दोनों आज हस्बैंड जी से दोपहर में कह रहे थे ये जी नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है तो एक रोल खिला दीजिए, क्योंकि लड्डू होने वाला था ना पेट में,
तभी से हमको रोल खाने का मन था, लेकिन पूरे बॉडी पे रैसेस पड़ गए थे जिसके वजह से एकदम सादा खाना हमको खाना जैसे रोल नहीं खा पाए थे। बोले जी, और फिर ऑपरेशन हो गया, बोले जी रोल खाने का मन है तो बोले कैसे लेके आएंगे, ठीक है ठीक है परेशानी है, तो हम दोनों मिल गया। अब आएंगे हस्बैंड जी तो बॉडी को भी हम उठा देंगे और दोनों मिलते हैं, हम बॉडी खाएंगे रोल। अभी बने रही है ब्लॉग में दिखाते हैं, और ये देखिए इसके दादा आए करके इसको शांत करवा रहे हैं, लेकिन वो शांत तो होगा मेरे गोदी में आने के बाद ही, नहीं रहता है किसी के पास नहीं। पाँच मतलब दो तीन मिनट रह जाएगा, चौथा पाँचवा पाँच मिनट के बाद रोना स्टार्ट कर देता है। Hey guys, good morning. तो आ गए नेक्स्ट मॉर्निंग में, अब हम जिम से आ चुके हैं और चाय पी रहे हैं, परी उधर रेडी है स्कूल जाने के लिए, दिखाते हैं आपको। गाइस देखिए इधर परी रेडी हो चुके हैं। परी आज तुमको स्कूल जाके कैसा लग रहा है? अच्छा। कितना दिन बाद जा रहे हो स्कूल बेटा? सैटरडे को गई थी, बीच में कल संडे था और फिर मंडे है, तो आज जा रही है बेटा। मन नहीं लग रहा है। क्यों? नहीं बेटा आज तुम्हारा इंटरनेट ठीक करा देंगे घर का पक्का। आज डायरेक्ट हम जा रहे हैं इसका इंटरनेट का ऑफिस में ही, अब जाके देखना हल्ला गुदाल कर देंगे। दो दिन से मेरा खराब है ना घर का नेटवर्क, आज हम हल्ला करेंगे। नहीं बेटा हम आज ठीक करा देंगे, तुम स्कूल से आएगी तो तुम्हारा नेटवर्क ठीक रहेगा, शायद दोपहर तक हो जाए ठीक, नहीं तो शाम शाम तक तो पक्का ठीक। बताओ अपना नेट कैसे खराब हो गया, इंटरनेट कैसे खराब हो गया? दो दिन से डिस्टर्ब थे हम लोग, आज तीसरा दिन है जिसके वजह से ब्लॉग भी ये नहीं हो पा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा ठीक से, और ये क्या बोलते हैं इंटरनेट का बहुत लफड़ा है, और ना फोन चल पा रहा है ना कंप्यूटर चल पा रहा है ना टीवी चलता है, जिसकी वजह से मन नहीं लग रहा है। परी भी कल इधर उधर बैठ रही थी, कितना खेलेगी, फिर मन उदास हो गया, कल संडे था तो थोड़ा फोन चलाती थी, अब इसको मन नहीं लग रहा है, तो कल शाम में उदास बैठी हुई थी कि मम्मा अपने घर का इंटरनेट कब आएगा, मन नहीं लग रहा है। तो अभी नाश्ता बन रहा है, लड्डू बेटा सोया हुआ, परी का फेवरेट बन रहा है पराठा, क्योंकि परी को सब चीज का पराठा बनाते हैं, आलू का सत्तू का, लेकिन सबसे ज्यादा उसको पसंद है प्याज का पराठा, तो कि बना रहे प्याज का पराठा, उसको लंच दे दिए हैं। और इस बार परी का डिमांड है कि धनतेरस में अच्छा सा टिफिन खरीद दिया जाए, सुने स्टील का अच्छा सा टिफिन खरीद, हम मम्मा तो परी को ही लेके जाएंगे, हम भी चलेंगे, परी का पसंद का दिला देंगे, है ना बेटा? ओके बेटा किचन सेट भी ले लेना, तो दुर्गा पूजा में ही दिला देंगे। परी को क्या कहना है, परी को क्या कहना है जल्दी बोलो, क्या लेना है तुमको? क्या किचन सेट लेगी? अच्छा से बैठो, वैसे बैठा जाता है जूता पहन के, परी लेगी दशहरा में किचन सेट, तुम का लोगी तबला सेट। नहीं हम भी खरीदेंगे अपने लिए, हम जाएंगे घूमने बिग बाजार के पास तक, अगर बारिश नहीं होते रहा तो, अगर बारिश होगा तो हम ले जाएंगे, क्योंकि बारिश हो जाएगा तो घर ही ला देंगे चाउमीन मोमोज बर्गर पिज्जा। मोमोज ये सब नहीं, इससे अच्छा कि शाम में हम थोड़ा सा मोमोज बना देंगे परी के लिए, बर्गर ला दीजिएगा और चाउमीन सामने वाले जो नेपाली है ना उसके यहाँ से, और पनीर चाहिए, मोमोज एकदम बकवास खिलाता है, चीज पिछले बार खाए थे ना तो पता है क्या चीज का दे दिया था, चावल का आटा का बना के मोमोज दे दिया था, ठीक अब गुपचुप खाए थे तो सारा खराब खराब खट्टा। तो बने रहिए ब्लॉग में, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं, चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे। रेस्टोरेंट में चाउमीन और पनीर चिल्ली खाए तब जाके अच्छा लगा, हम बना देंगे बेटा घर पे ही मोमोज, आज है मैदा है सोयाबीन भी है तो मौका भी है दस्तूर भी है, तो जा बेटा स्कूल का टाइम हो गया, बाय बाय, पैसा चाहिए?